अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे और आप वीडियो देखेंगे संडे को, तो सैटरडे बहुत पीसफुल सी थी मॉर्निंग। वैसे आजकल इतनी गर्मी हुई भी है कि बस ना पूछें, लेकिन मैं हैरान हो गई कि बादल भी थोड़े थोड़े से आए हैं। लेकिन धूप थी, फुल ऑन धूप थी, लेकिन मॉर्निंग का टाइम था तो सो इतनी तेज़ नहीं थी। तो ये मैंने सी शेल्स और साथ में ये ब्रेकफास्ट टेबल वाली पिक्चर लगाई हुई है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि हम सी साइड पर रहते हैं और यहाँ पर साथ में किचन है और यहाँ पर बैल्कनी में बैठ के तो अक्सर हम चाय बिस्किट वगैरह खाते रहते हैं। अभी जो मैं काम कर रही हूँ ये लिटरली पूरे हफ्ते से पेंडिंग काम है, शायद 2 हफ्तों से पेंडिंग। मिशारी को एवरी थर्सडे क्लास वर्क सारा और एक्टिविटीज़ हमें हैंड ओवर कर दी जाती हैं। इनका फ्राइडे सैटरडे और संडे ऑफ होता है छोटे बच्चों का, तो मैंने रखे हुए हैं सब कलेक्ट करके, लेकिन मैं इनको फाइल में नहीं लगा सक रही थी। तो फाइल भी ले आई हुई थी, तकरीबन 2 वीक्स हो गया फाइल लाए हुए, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सोचा कि ये वो सब काम है जो कुछ हफ्तों से या कुछ इवन मंथ से पेंडिंग है ना, उनको मैं आज निपटा देती हूँ। और आज थोड़ा सा मैं अपना भी एक थोड़ा सा काम करूंगी, मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैं अपने लिए क्या लेके आई हूँ। ये शुरू शुरू की मिशारी के वर्क है और कलर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं करता था। फिर उसको मैंने बताया, टीचर्स तो बिल्कुल नहीं क्लास में कहती, प्रेशराइज नहीं करती, खुशी खुशी बच्चे जितना कर लें करने देती हैं। तो मैंने उसे घर पे बोला कि आउटलाइन से बाहर नहीं जाने दो, तो बड़ा अच्छा अब कलर कर लेता है। तो ये फोल्डर मैं अपने लिए लेके आई थी, इसमें मैंने अपनी कुछ चीज़ें रखनी होती हैं। मेरे कोई इतने सच इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो नहीं होते, हर लीगल और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शहजाद के फोल्डर में है, लेकिन स्टिल फिर भी हम लोगों की भी चीज़ें होती हैं जो हमने संभाल के रखनी होती हैं। तो जनाब ये काम भी हो गया और ये फोल्डर देखते हुए मुझे याद आ गया कि मिशारी के साथ साथ तिहामी के भी मेरे पास सारे फोल्डर्स हैं, और बहुत खुशी हो रही है कि मिशारी का फोल्डर भी बनने लग गया। मैं कंट्री टू कंट्री भी मूव कर गई हूँ, लेकिन तिहामी के बचपन से लेके अब तक सारा उसका आर्ट वर्क मेरे पास है। किसी दिन शेयर करूँगी आपसे। इस टाइम पे तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन मैंने किसी को भी जगाया नहीं। मैंने सोचा ये 1 घंटे तक उठ जाएंगे तो ठीक है, वरना मैं फिर अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। अभी ये मैगज़ीन एक होल्डर भी लेकर आई हुई थी, क्योंकि मिशारी की जो बुक्स है ना रीडिंग का, उसको बहुत ज़्यादा शौक है, तो उसकी सारी कलेक्शन मैंने इस मैगज़ीन होल्डर में रख देनी है। अभी तो सिर्फ यही वाली बुक्स हैं, बाकी सारी तिहामी के रूम में पड़ी हैं। सो वहाँ जाऊँगी ना तो खटपट से उसने उठ जाना है फ़ौरन। तो मैं चाह रही हूँ कि ये जो काम है पेंडिंग ये भी निमट जाए और सुकून से निमट जाए। इसको मैंने यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में कॉर्नर पे रख दी है। अगर सामने रखूंगी तो फिर मिशारी हर वक्त बुक्स निकालेगा और फिर वो फट जाएंगी, तो इसमें से खुद ही हम निकाल के इसको रीड किया करेंगे बुक्स। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मेरी जो क्लीनिंग ऐप है उसमें सारे टास्क ओवरड्यू होते जा रहे हैं। मैं आपको बताया हुआ, अक्सर शेयर किया हुआ है कि मैं क्लीनिंग और कुकिंग, बजटिंग, मनी सेविंग, मतलब हर तरह की मैं ऐप्स जो है ना वो यूज़ करती हूँ। इवन मील प्लानिंग के लिए भी ऐप होती है, किस दिन मैंने क्या बनाना है मुझे पहले से ही पता होता है, तो उसके हिसाब से ही मैं सामान मंगवाती हूँ। तो मतलब मेरी लाइफ काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है इस वजह से। तो फ्री की ऐप्स होती हैं, कोई ये भी नहीं होता कि हर ऐप पर आप पे करना होता है। सो खैर आप भी सर्च करें हाउस क्लीनिंग ऐप के नाम से, तो आपको बहुत सारी ऐप्स मिल जाएंगी। इस वक्त फोन मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको अपनी ऐप का नाम बोल के बता देती कि मैं कौन सी यूज कर रही हूँ। तो उसमें मैंने ना एक एक रूम को उसके डिटेल में बैठ के टास्क लिखे हुए हैं कि कौन से टास्क मंथली करने हैं, कौन से वीकली और कौन से डेली। तो ये वाले जो है ना, ये प्लांट्स वगैरह की क्लीनिंग आर्टिफिशियल, और या फिर ये जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म के डेकोरेशन पीस होती हैं उनकी जो थॉरो क्लीनिंग है ना, वो मंथ में एक बार मैंने लिखी हुई है। जबकि हर वक्त डस्टिंग तो जब भी करती हूँ तो ये सब कुछ भी साथ में क्लीन करती हूँ, लेकिन थॉरो क्लीनिंग की जरूरत होती है। जैसे छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, इनके कॉर्नर्स में अंदर अंदर तो डस्ट बैठ जाती है ना, जितनी भी आप डस्टिंग कर लें। एनीवेज, तो वो मैंने फ्लावर्स सारे उतार लिए और उनको वॉश करूंगी अब। और अब चूंकि मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा किचन में जाने से पहले ना मैं ये काम कर लूँ। ये मैं बुक लेके आई थी, जस्ट इन केस आप भी लेना चाहते हैं, ये मैं डे टू डे से लेके आई हूँ, और शारजा वाले जो डे टू डे है गिफ्ट मार्केट से भी मिलती हैं, डे टू डे से भी, इवन मैक्स से मिल जाती हैं। तो ये क्या है, एनग्रेविंग बुक्स हैं ये, और इनके अंदर कलर्स होते हैं और ऊपर ना कुछ पेंट हुआ होता है, तो साथ में ये टूल होता है, इसकी हेल्प से आप इसको एनग्रेव करते हैं और अच्छे अच्छे से कलर्स आते हैं। तो ये बहुत ही सूदिंग है काम करना, ये बहुत मज़े का लगता है। तो
मैं लेके आई हूँ, जब से तो मुझे रोज़ शौक होता है कि मैं कुछ ना कुछ इसको इसके ऊपर बनाऊँ। तो रोज़ाना मैं छोटी छोटी सी चीज़ें बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं करने का टाइम मिलता, बट थोड़ा सा कर लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल एक्चुअली वेदर भी चेंज हो रहा है ना, तो चेंज होते वेदर का इफेक्ट सबके ऊपर आता है, एटलीस्ट मुझे तो ये फील होता है, मुझ पे आता है। तो स्प्रिंग वेदर आया हुआ तो बटरफ्लाइज, फ्लावर्स, इस तरह की चीज़ें हर तरफ बाहर भी निकलें तो नज़र आती हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और ये हार्ट मेरी तरफ से आप सबके लिए है। बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स होते हैं जिन पर हार्ट नहीं दे पाती, काम में बिजी होती हूँ, तो ये उन सब के लिए है, और जिनको हार्ट देती हूँ उन सब के लिए भी है। ये मेरी टेबल का बहुत बुरा हाल हो गया हुआ है। ये थे हामी ने कुछ टाइम पहले ना इसके ऊपर कोई पेंटिंग की थी, और उसका परमानेंट मार्कर से की थी, और वो मार्कर जो है ना वो पेपर में से इंक सीप होके तो टेबल पे लग गई थी। तो मैं हर तरह के तरीके ट्राई कर रही हूँ। मैंने इसके ऊपर अल्कोहल जो है वो स्प्रे किया, उसे नहीं उतरा। फिर मैंने मार्कर के ऊपर मार्कर किया ताकि शायद उससे उतर जाए, नहीं उतरा। फिर अब मैंने इसके ऊपर ना ये जिफ का ग्रीस रिमूवर होता है, तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो वो पता नहीं उसकी वजह से हुआ है या रबर की वजह से हुआ है, लेकिन काफी हद तक ना ये साफ हो गया है, और इसको 1 से 2 दिन बाद में दोबारा ट्राई करूंगी तो कंप्लीटली क्लीन कर दूंगी इसको मैं। फ्लावर्स को वॉश करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बस मैंने इसमें पानी डाला बकेट में और उसके अंदर ये फ्लावर्स डाल दूंगी, और फिर साथ में कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड डाल दें या सर्फ डाल दें, जो भी जिससे भी आपने वॉश करना है बहुत इजीली वॉश हो जाएगा। और बस थोड़ी देर इसको मिक्स करके ऐसे भिगो के रख दूंगी, तो फिर ग्रीस जो है वो कट डाउन हो जाएगी उससे, तो फिर इसको मैं वॉश कर लूँगी। एक एक फ्लावर को मैं ब्रश से वॉश नहीं करूँगी क्योंकि ज़रूरत नहीं है, इतने सॉफ्ट और रबरी है ना कि इनको अच्छी तरह से जैसे करेले मलमल के धोते हैं ना हम, उस तरह से मैं इनको वॉश करूँगी तो ये सारे अच्छे से साफ हो जाएंगे। उसके बाद जी टाइम हो गया, फैमिली आ गई, थोड़ा फ्रेशन अप हो गई मैं, और फिर हमने बनाना था नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने प्याज और जो हरी मिर्च है उसको चॉप किया, और उसके अंदर अब मैं अंडे तोड़ के डाल दूंगी। लास्ट टाइम जो मैं एग लेके आई थी इतने स्मॉल साइज के थे ना कि अंडा बना के उसको खा के मजा भी नहीं आता था। अच्छा, कई लोग पूछे थे कि इतने दिन आपने एग डाइट 3 डेज किया तो आप अंडों से बोर नहीं हो गई, लेकिन मैं बोर नहीं होगी। मुझे तो एक नया आइडिया मिल गया कि जब ज्यादा भूख लगी हो उस वक्त आपने अगर प्रोटीन पोर्शन आपके पूरे नहीं है तो आप फिर वो खा लें, या मैं रात में लंच सॉरी अपना डिनर स्किप करके ना तो हाफ बनाना और एक एग खा लेती हूँ। ये वजह है कि सुबह मैं उठती हूँ तो आप देखते हैं मेरा वेट पहले से भी कम हुआ होता है। यहाँ पे मैंने ये फ्रोजन बेल पेपर्स इसमें डाली हैं, और बाय द वे वेट की अपडेट जो है ना वो मैं इस पर इंस्टाग्राम पे दे रही होती हूँ। अच्छा जी, और ये फ्रोजन ही मैंने इसके अंदर डाले हैं स्प्रिंग अनियन। एक क्वेश्चन आया था कि जब बेल पेपर निकालते हैं तो वो पानी पानी हो जाती है सारी, तो उसकी वजह ये होती है कि निकाल के आपने रखना नहीं है, फौरन आपने वापस इसे फ्रीजर में रख देना है, डिफ्रॉस्ट होने का मौका नहीं देना। और दूसरी बात ये कि जब आप बेल पेपर वगैरह को कट करते हैं तो उसे टिश्यू से थोड़ा सा उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके फिर उसे फ्रीज कर दें, और जो मैंने आपको एयर टाइट करने का तरीका बताया है अपने जिपलॉक बैग्स को वो फॉलो कर लें, वो रमजान प्रेप की वीडियोस में है। इसमें मैंने नमक मिर्च डाल दिया है, इसको अच्छे से मैंने बीट कर दिया है और तवे पे रख दिया, और उसके बाद मैं किसी काम में लग गई थी, आई थिंक मिशारी का कोई काम था, मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन ये अंडा थोड़ा सा नीचे लग गया था, बट इस वजह से मैंने फिर इसको इस तरह स्क्रैम्बल कर दिया, वरना मेरा प्लान था कि फुल एग जो है ना वो बनाती। एग को मैं प्लेट में निकाल दूंगी, और हमारे पास ब्रेड नहीं थी तो इस वजह से फ्रोजन पराठे जो हैं वो यूज़ किए, और स्पेशली अब वैसे भी फ्रीज़र खाली वगैरह कर दिया है मैंने, उसे ऑर्गेनाइज भी कर दिया है, लेकिन जो ऐसी चीज़ें ना जो हमने रोज़ों में नहीं खानी है तो बेहतर है कि वो फ्रीज़र में से ख़त्म हो जाए, तो ट्रैश तो नहीं किया जा सकता, तो आजकल फिर हम इस तरह कर रहे हैं। तो फिर हमने फ्रोज़न पराठे बनाए और वो इसके साथ फिर हमने खा लिए, और अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। बस उसके बाद हमारा ये ब्रेकफास्ट हो गया था। मैं सबसे बुरी चाय बनाती हूँ, आई थिंक इस दुनिया में मेरे से कोई कंपटीशन नहीं कर सकता, कोई भी चाय बनाएगा मुझसे अच्छी ही बनाएगा, ये एक ऐसी चीज़ है मुझसे आज तक नहीं बनी। एनीवेज, ये था हमारा नाश्ता। अब ये आ गया है रात का टाइम, हम लोग बाहर निकल गए थे कुछ थोड़ा सा सामान लेना था, और स्पेशली हमें खाना भी बाहर खाना था, सैटरडे था। अब बच्चे पूरा वीक घर पे खाना खाते हैं तो इस वजह से फिर वीकेंड्स पे हम उन्हें बाहर से खिलाते हैं, तो बस वहाँ से वापस आई थी तो इसलिए कुक तो कुछ भी नहीं मैंने करना था। बस ये इनको मैंने वॉश किया अच्छे से, मल मल के अच्छे से मैंने धो लिया और बिल्कुल साफ़ सुथरे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, और जो स्पेशली जो बिल्कुल इनके कॉर्नर्स में डर्ट थी वो सारी हट गई है। अब इसको मैंने एक डिश ड्राइंग मैट पे रख दिया ताकि मैं इसको अच्छे से ड्राई कर दूं।
ये देखें सारी डर्ट उतर रही है थोड़ी थोड़ी सी ना, असल में डर्ट इतनी नहीं है, जब भी डस्टिंग होती है इसको भी मैं झाड़ती हूँ, लेकिन जो ग्रीस है ना ये जगह है ह्यूमिड, सारा ही शारजा, ह्यूमिडिटी बहुत है सी की वजह से ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे स्टिकीनेस आ जाती है अगर टाइम पे क्लीन ना करें तो। बाकी तो हर चीज़ को बंदा करता रहता है, लेकिन इस तरह की जो डेकोरेशन है ना उसको मैं मंथ में एक बार ही करती होती हूँ। सो अभी बारी है इस चीज़ को निपटा देते हैं। जी मम्मा की जान, आपको पता नहीं बेटा अंदर की रखा ही होंगी, इधर ये रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मम्मा ये ऐसा पता नहीं क्या है लेकिन आई थिंक ये ड्राई अप हो रहा है, क्योंकि ये इसकी तो जो यूज में है ना वो आप ले लो, मैं और मंगवा लूँ। मैं कह भी रही हूँ फिर भी आप बेटा बार बार देने आ जाते हो, आई नो प्यार से कह रहे हो लेकिन आप स्टडी करते हो, मैं नहीं करती, आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ओके आई विल गेट अ न्यू वन, नो प्रॉब्लम, सॉरी यार। नहीं बस माफ नहीं करूंगी मैं, अब बेटा स्टे नॉर्मल यार। जो इसकी सारी ब्रांचेज हैं उसको मैंने डेटॉल ऑल पर्पज़ क्लीनर से कर दिया है, क्योंकि ये ब्रांचेज इतनी पतली पतली हैं और इन पे टेप लगी हुई है कि इनको मैं सोप से नहीं कर सकती। अच्छा जी, ब्रांचेज क्लीन होने के बाद यहाँ पे मैंने आके देखा तो काफ़ी हद तक पानी जो है ना वो ड्रेन हो चुका था, बाकी फिर मैंने इन्हें इस तरह से प्रेस कर करके ना कपड़े में तो ड्राई कर दिया अच्छे से, और मैंने सोचा कि ये काम भी ख़त्म करूँ, सारी रात यहाँ पड़ा रहेगा कि कम्प्लीटली ड्राई हो तो अगले दिन फिर लगाऊंगी, क्योंकि ये फ्लावर्स वापस लगाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। एवरी मंथ रेगुलरली कर रही होती हूँ, क्योंकि डेकोरेशन पीसेज जो है ना वही तो खूबसूरती होते हैं घर की, और उनको हर वक्त नीट एंड क्लीन ही दिखना चाहिए, लेकिन इस बार ना मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ तो अपने आप को बुरा भी फील हो रहा था कि इग्नोर किया। अभी बाकी प्लांट्स वगैरह जो है वो उनकी भी मैं क्लीनिंग स्टार्ट करने लगी हूँ, इंशाल्लाह वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, और साथ साथ रमदान प्रेप की भी वीडियोज़ और आती रहेंगी बीच बीच में, तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। और ये देखें कितनी प्यारी ब्राइट सी इनकी लाइट हो गई, बस ये कि इसकी ब्रांचेज जो है ना उनको मैं अच्छा सा अरेंज कर रही हूँ ताकि अच्छा सा क्यूट सा ट्री लगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक करें, और अगर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।